ये इतनी रात गए आवाज कहां से आ रही है? घर में कहीं चोर तो नहीं घुस आया? चल के देखना पड़ेगा। जब भी ये चोर बच्चे का नहीं। बहुत प्यास लगी थी, ले चलता हूँ। अम्मा, अभी तो तुझे नानी याद दिलाऊंगा मैं। लल्ला, क्या हुआ? अरे मुझे लगा घर में कोई चोर घुसाया है। क्या राजीव, ये तू था यार? छी, अरे मारने से पहले देख तो लेते कि कौन है। अच्छा, उल्लू मैं। हाँ, मुझे अंधेरे में दिखाई देगा। अरे लाइट तुझे ऑन करनी चाहिए थी। ये तो शुक्र मना कि मैंने तेरे सर पे नहीं मारा। अरे थैंक यू बोल मुझे, थैंक यू। अरे सर पे पड़ जाती तो मैं दुनिया से थैंक यू हो जाता और उस दुनिया में वेलकम हो जाता। थैंक यू बोल। हाय लल्ला, शुभ शुभ बोलना। वैसे गलती तेरी है, सही तो कह रहे हैं, तुझे लाइट जलानी चाहिए थी। जीजा जी को लगा होगा कि अंधेरे में कोई चोर आया किचन में, है ना जीजा जी? हाँ, और मेरी स्वीट साली, वैसे मेरे रहते हुए इस घर में ना कोई चोर नहीं घुस सकता, और अगर घुस गया ना तो बाहर नहीं निकल सकता है। देखा लल्ला, बहू के जीजा जी को इस घर की कितनी फिकर है। कितने साहसी हैं आप, और चोर के हाथ में हथियार भी तो हो सकता था, लेकिन आपने अपनी फिक्र नहीं की और चोर को पकड़ने के लिए रसोई में चले गए। ठीक है, ये जीजा जी के बच्चे ने मेरी टांग तोड़ दी है, और मेरी फैमिली मेरी टांग में पट्टी बांधने के बजाय इसकी तारीफों के पुल बांध रही है। ये जीजा जी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बस से बटी को जाऊं। अरे मतलब अपने पैरों को देख कितनी सूजन आ गई है। तू एक काम कर, तू प्रिया को लेकर ना हॉस्पिटल चला जा, एक्सरे करवा ले, हो सकता है कोई हड्डी टूटी हो। अरे ये सब मैं शाम को कराऊंगा, अभी मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। अरे मैं निपटा दूंगा। किसे? मुझे? अरे मुझे पता है तुझे क्या काम है। तू गप्पू के स्कूल जाना चाहता है, उसके प्रिंसिपल से मिलना चाहता है, तो तू चिंता मत कर, तू आराम कर, मैं जाके बात कर लूंगा, कह दूंगा तेरी तबीयत ठीक नहीं है, दो चार दिन बाद बात हो जाएगी। अरे वो प्रिंसिपल बड़ा खड़ूस है, आपके समझाने से नहीं मानेगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। वो क्या ना पैर का पैरी पोना। तो फिर मैं समझा रहा हूँ तुझे, समझ ही नहीं रहा तू। अपने जीजा जी को ना हल्के में मत ले, ना 3G ना 4G, सबसे तेज जीजा जी। जीजा जी, लेकिन आप समझ नहीं रहे। कुछ नहीं, तू मेरी बात सुन, एले इस पे साइन कर। ये क्या है? ये अथॉरिटी लेटर है, इसमें ये लिखा है कि तू मुझे अधिकार देता है कि तेरे बदले मैं बात कर सकता हूँ, मैं डिसीजन ले सकता हूँ। तू चुपचाप साइन कर। नहीं 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 जी, आप तू समझा कर ना, कितना जिद करता है तू। प्रिंसिपल ना इसके बिना मुझसे बात नहीं करेगा, इसलिए साइन करवा रहा हूँ। तू इस पे साइन कर, आराम से प्रिया के साथ हॉस्पिटल जा, मैं जा करके स्कूल में सारी बातें संभाल लूंगा। थैंक यू जीजा जी, थैंक यू। तू अपना ख्याल रख। ये प्रिंसिपल जीजा जी की बात थोड़ी ना सुनेगा, सिर्फ पैसों की बात सुनेगा। अब जल्दी से बाबूजी को सारा प्लान समझा देता हूँ, ताकि उस छोटू से अपने पैसे वापस निकलवा सकूं। अरे जीजा जी, आप कहाँ चलिए? वो राजीव का पैर सूजा हुआ है ना, तो मैंने सोचा कि मैं ही उसके सारे काम निपटा देता हूँ। गप्पू के स्कूल चला जाऊंगा और लगे हाथ सेट पे भी देख लूंगा भाई शूटिंग ठीक ठाक से चल रही है नहीं है। तू एक काम करना, तू डॉक्टर के पास इसे लेके जा और एक्सरे करवा देना। अच्छा अम्मा जी, चलता हूँ। ओह क्या बात है लल्ला, वाह। मतलब तेरे कहने पे कुशल ने जाकर छोटू को कार के लिए ज्यादा ऑफर दिया, और इसलिए वो छोटू हमारे पास कार खरीदने आया, और ये सब तूने किया, वाह। बाबूजी, एक बनारसी का लल्ला ही बनारसी दिमाग लगा सकता है ना। हाँ। तो आप एक काम कीजिए, आप वो गाड़ी लेके जाइए, छोटू के मुंह पे मारिए और अपने पैसे ले ले आइए। लेकिन बहू की जीजा जी। अरे आप जीजा जी की छोड़िए और लल्ला की सुनिए। मैं काम करता हूँ, कुशल को भेजता हूँ छोटू के पास दोबारा और पैसे का ऑफर देकर, ताकि वो आपको जल्दी फोन करे और जल्दी वो डील निपट जाएगी, ठीक है? एकदम सही। लेकिन लल्ला, हमें क्यों लगता है कि बहू की जीजा जी की बातों में फायदा ही घूर क्यों रहा है? हम जा रहे हैं। हाँ, मैं कुशल को फोन कर देता हूँ जब तक। ठीक है ठीक है, चाहिए। आप बेबी, तुमसे एक बात पूछूं? देखो बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं नहीं पूछो।
ये तुम्हारे जीजा जी कब तक रहने वाले? राजीव, तुम फिर से जीजा जी के पीछे पड़ गए। अरे मैं नहीं पड़ा उनके पीछे, वो पड़े मेरे पीछे हाथ पांव धो के और तोड़ के। अरे कल रात को जो हुआ उसमें जीजा जी की कोई गलती नहीं है राजीव। हाँ, गलती तो सारी मेरी है और मेरी किस्मत की है कि मैं उनके सामने आ गया। राजीव, एक तो जीजा जी तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम यहाँ एक्सरे लेने सिर्फ इसलिए आ पाए हो क्योंकि वो तुम्हारा काम कर रहे हैं, वरना इस वक्त तुम गप्पू के प्रिंसिपल के सामने बैठे होते। गप्पू के प्रिंसिपल का फोन आ रहा है, बात करो ना प्लीज, बोलो मैं यहाँ पे हूँ। हेलो, यस सर। जी सर। नहीं, वो क्या है ना कि राजीव का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है तो हम यहाँ पर एक्सरे निकालने आए हैं। हाँ हाँ, उन्होंने आपसे जो प्रॉमिस किया था वो तो हाँ बिल्कुल पूरा करेंगे। ओके सर, थैंक यू। क्या बोले? यही कि जो डोनेशन तुमने देने का वादा किया है वो पैसे तुम कब दोगे? अरे इसीलिए तो जीजा जी गए ना वहाँ। राजीव, जीजा जी सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं उठा रहे तुम्हारी, तुम्हारी सेट की जिम्मेदारी भी ली है उन्होंने। क्या? अरे हाँ क्या? क्या हुआ? ए यार, तुम्हारे जीजा जी। जीजा जी को क्या हुआ? जीजा जी को कुछ नहीं हुआ, बल्कि जीजा जी की वजह से हुआ। लेकिन हुआ क्या? अरे उन्होंने बिंदिया की पेमेंट डबल कर दी है। अब देखना, कुशल डायरेक्टर, स्पॉट, कैमरामैन सब शुरू हो जाएंगे। अब पता नहीं क्या होगा। क्या होगा? क्या होगा? शो बंद हो जाएगा और क्या होगा? और ये सब कुछ सिर्फ एक आदमी की वजह से होगा, तुम्हारे जीजा जी। राजीव, मैं जरा चेक करके आती हूँ। इतना टाइम क्यों लग रहा है एक्सरे को? तू कहाँ पर है? अरे डॉक्टर के पास, क्लिनिक में। क्या कर रहा है? भांगड़ा कर रहा हूँ। क्या? अरे तेरी टांग टूटी हुई, तू भांगड़ा कर रहा है? अरे बाबूजी, यहाँ प्लास्टर करवाने आया हूँ, भांगड़ा क्यों करूंगा? लेकिन अभी अभी तो कहा तू भांगड़ा कर रहा है। अरे अब वो सब छोड़िए, आप किधर है? छोटू के पास गए थे? हम गए थे लेकिन वो वहाँ था नहीं, तो फिर हम वापस सेट पर आ गए, थोड़ी देर के बाद फिर जाएंगे। क्या आप सेट पे हो? अरे वो जीजा जी भी वही है ना? दिख तो नहीं रहे। अरे वही होंगे वो। देखिए एक बात बताइए, सेट पे सब सही है? हाँ हाँ, सब ठीक ही लग रहा है। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, तू अच्छे से पट्टी बंधवा लेना। हाँ हाँ ठीक है, ओके। कुशल बेटा। हाँ बाबूजी। वो तेरी बात हुई क्या छोटू से? हाँ हो गई, मेरी छोटू भाई से पूरी बात हो गई। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको उस गाड़ी के पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। अरे खुशी से पागल हो गए, एकदम पागल आ ही रहे हैं। क्या यहाँ आ रहा है? और नहीं था। अरे उसने हम दोनों को अगर साथ में देख लिया तो वो सोचेगा कि हम दोनों मिले हुए। चल चल, ओ छोटू तू भी बल्ले बल्ले, तेरी डील भी बल्ले बल्ले। ओ तुम दोनों एक साथ? ओ समझ गया समझ गया, छोटू के साथ होशियारी है? और तुम दोनों मिलके मेरे को बेवकूफ बना रहे हो? अब देखना मैं तुम्हारा क्या क्या बनाता हूँ मैं, क्या क्या बनाता हूँ मैं। नहीं नहीं पाजी, मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं पाजी। छोटू तू मेरी बात सुन रहा है कि नहीं? छोटू चल। मैं नहीं छोड़ूंगा पाजी। पाजी पाजी, ये दोनों मिलके ना मेरे को गधा बना रहे हैं पाजी। अच्छा पाजी, अब आप एक बात बताओ, मैं कहीं से गधा लगता हूँ आपको? हाँ। है? नहीं इतना भी नहीं। ओ नहीं पाजी, गधा हूँ मैं, गधा हूँ। मुझे फोन करके बोलता है वो जो गाड़ी है ना उसका 10 लाख रुपए दे दूंगा, और जो गाड़ी मैंने बाबूजी को बेची थी ताकि वही गाड़ी मैं दोबारा बाबूजी से खरीद सकूँ। और पाजी अब देखना, प्यार मोहब्बत आपकी मेरी अलग अलग है, अब देखना हड्डी पसली तोड़ दूंगा। तूने कुछ भी नहीं किया, कुछ लाइनों के लालच में आके मैं ऐसा कांड कर बैठा, लेकिन ये कांड मेरा नहीं है, ये तो इनके बेटे का है, राजीव सर का। फिर से गधा बना रहा है? नहीं 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 नहीं। अरे क्या स्टाइल ते अंदाज है, क्या बॉडी है, वो एंग्री यंग मैन। छोटू तुझे तो इनका थैंकफुल ते शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करते तो तू ऐसा नहीं करता, और तू ऐसा नहीं करता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। बोलो है जी, है जी। मुझे क्या पता नहीं चलता? ये पता नहीं चलता कि इतने बड़े शरीर के अंदर इतना बड़ा सा एक्टर छुपा है। बोलो है जी, है जी। पाजी आपको पता है जब मैं छोटू छोटू था ना पाजी,
तब से ना मेरे अंदर एक्टर बनने की तमन्ना थी पाजी। तो आज इनकी वजह से समझ ले तेरी वो तमन्ना मैंने पूरी की। तू बनेगा विलन इस सीरियल का। अरे हाँ, हम जो आपको आपके सुपर हिट सीरियल के लिए आइडिया दे रहे थे वो एकदम फिट है इसमें। आइडिया दे। हाँ सुनिए, अब बोलो जा रहा सारा रा 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 रा। ओए डायरेक्टर, ओए अभी जो सीन शूट कर रहा था ना ये कैंसिल। अब इस सीरियल को सुपर हिट अगर बनाना है तो मैं जो कहूंगा वही होगा। पूछो क्या होगा? क्या होगा? आइटम सॉन्ग। क्या आइटम सॉन्ग?